चित्रा जी, कुछ योग अगर हम देखें, कहा जाता है कि अगर हम सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर लें तो भी इनफ है एक बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को फिट करने के लिए। तो यू तो सबसे बेसिक है और कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार सबसे पहले करना चाहिए। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हों, जिनके लिए आप एक बार फिर से सूर्य नमस्कार करके दिखा पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि सूर्य नमस्कार एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप सब कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही में आप पूरी अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, चाहे वो अपर बॉडी हो चाहे वो लोअर बॉडी हो। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे लेकिन साथ ही साथ ब्रीदिंग के साथ हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम खड़े होंगे सम अवस्था में, दोनों हाथों को सूर्य नमस्कार, क्योंकि 12 आसनों का एक अभ्यास है तो हम 12 आसनों को प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को साइड से लेकर ऊपर उठाएंगे, नमस्कार आसन में लेकर आएंगे, हाथों को जोड़ेंगे। अब अपनी दोनों कोहनियों को नीचे की ओर दबाएंगे, अपने वक्ष को दबाते हुए आंखें बंद करेंगे और 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे, अगला अभ्यास करेंगे नमस्कार आसन से हस्तोत्तानासन में। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी चेस्ट पर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे पादहस्तासन में। अपने हाथों को अपने पंजों के साइड में लगा देंगे और कोशिश करेंगे अपने सर को नीचे अपने घुटनों की ओर लगाने की। अब अपने दाएं पांव, अपने राइट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, घुटने को बेंड करेंगे, पंजे को फ्लैट करेंगे अश्व संचालन आसन में और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। धीरे से पंजे को उठाएंगे और अपने बाएं पांव लेफ्ट लेग को भी पीछे लेकर जाएंगे, आएंगे पर्वत आसन में। अपने कंधों को पूरा खिंचाव देते हुए अपनी गर्दन को अंदर करेंगे, महसूस करेंगे खिंचाव अपनी पिंडलियों पर और कंधों पर। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए चेस्ट को अपने हाथों के बीच रखेंगे और गर्दन को नीचे रखेंगे, चिन को टच करेंगे, अष्टांग नमस्कार में आएंगे जिसमें आपके 8 अंग जमीन पर लगे होंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, आएंगे भुजंग आसन में, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी चेस्ट पर और महसूस करेंगे कि आपकी कमर पर आपका सारा वजन आ रहा है। अब वापस आएंगे पर्वत आसन में। यहां से सभी आसन वापस रिपीट होना शुरू होंगे। अब अपने दाएं पांव को राइट लेग को आगे लेकर आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में अश्व संचालन आसन में, श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की ओर झुकेंगे पादहस्तासन में, श्वास भरेंगे वापस पीछे की ओर जाएंगे हस्तोत्तानासन में और श्वास छोड़ते हुए वापस हम आएंगे नमस्कार आसन में। यह हमने किया है 1 राउंड एक तरफ से दाईं ओर से, इसी तरह हम बाएं लेग से बाएं ओर से भी सेम रिपीट करेंगे। वापस दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे, श्वास भरेंगे पीछे जाएंगे हस्तोत्तानासन में, श्वास छोड़ेंगे आगे की ओर झुकेंगे पादहस्तासन में। अब अपने बाएं पांव को पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे।
घुटने को बेंड करेंगे, चेस्ट और चिन को जमीन पर रखेंगे। अष्टांग नमस्कार में श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर आएंगे, भुजंगासन में श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में आएंगे। बाएं पांव को आगे लेकर आएंगे, अश्व संचालन आसन में श्वास भरेंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। पादहस्त आसन में अब उठेंगे, श्वास लेंगे हस्तोत्तान आसन में और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे हम नमस्कार आसन में। तो यह हमारा एक कंप्लीट सेट था सूर्य नमस्कार का। इस तरह आप रिपीट कर सकते